सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टैंड अप क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज का जो ये क्लास है हमारे लिए बेहद और बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस क्लास में मैं आप सभी के लिए भारतीय संविधान की धाराओं से संबंधित कुछ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बने रहिएगा हमारे साथ में इस क्लास के अंत तक, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट ना सके। और अगर अभी तक आपने स्टैंड अप क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल स्टैंड अप क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोज मैं आपको डेली दे सकूँ, ताकि आपके एग्जाम की तैयारी और बेहतर हो सके। और अगर अभी तक आपने हमें खबरी पर फॉलो नहीं किया तो मैं एक बार फिर से कहता हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए खबरी ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे स्टैंड अप क्लासेस को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे डेली जो है अलग से आपके एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। आप ही लोगों की तरह जो है हज़ारों स्टूडेंट्स हमें फॉलो कर रहे हैं और अपने एग्जाम की तैयारी को और बढ़िया कर रहे हैं। चलिए आप भी फॉलो कर लीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आता है तो छोटा सा प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। आइए चलिए चलते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो जरा बताइए मुझे, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 444 याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? अनुच्छेद फर्स्ट में, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए हैं? तो किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 15 में, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 के बीच में। अगला प्रश्न है, नौकरी तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? अनुच्छेद 16, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में नीति निर्देशकों तथ्यों का उल्लेख है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में नीति निर्देशकों तथ्यों का उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 के बीच में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है? तो भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है? अनुच्छेद 39 में। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 61 के जो है अंतर्गत। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? अनुच्छेद 75। अगला प्रश्न है, महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है, जिसे हम लोग चीफ जस्टिस कहते हैं, अनुच्छेद 76 के अनुसार, ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है लोकसभा भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत, ठीक है, याद कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन देख लीजिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? अनुच्छेद 108। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 110। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 123। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 124। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग करता है? तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श की मांग करता है? अनुच्छेद 233। सभी अनुच्छेद जो है बिल्कुल याद करते हुए चलिएगा, और हो सके तो अभी मैं इसका पीडीएफ भी जो है प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं? अनुच्छेद 248। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है? तो किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 253। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? अनुच्छेद 280। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो संपत्ति का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 300 क में,
याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोकसभा आयोग का प्रावधान है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोकसभा आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 315। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है ये क्वेश्चन आपके लिए, मैं कह सकता हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न है, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343(1). अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 338(a), याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, संसद को संविधान का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368। तो अनुच्छेद 368 के अनुसार जो है संसद क्या कर सकता है, संविधान में संशोधन कर सकता है। मैं आपको एक वीडियो और प्रोवाइड करा दूंगा कि जितने भी जो है संशोधन हुए हैं आपके संविधान में उससे रिलेटेड जो है किस किस धाराओं में जो है संशोधन हुए हैं वो क्वेश्चन भी है, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट जरूर कीजिएगा कि उसका वीडियो बनाऊं कि नहीं बनाऊं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का जो है उल्लेख है? अनुच्छेद 356। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? अनुच्छेद 352। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? तो ये अनुच्छेद 370 के जो है अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त था जम्मू कश्मीर को, लेकिन भाजपा ने इसे क्या किया, नष्ट कर दिया, अनुच्छेद 370 हटा दिया गया और आपके राज्य जम्मू कश्मीर को दो भाग में विभाजित कर दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों जो है यूनियन टेरिटरीज हो गए, ठीक है, जिसे हम लोग केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो मतलब कौन सा जो है धारा यहाँ पे मौजूद था जो कि इसे विशेष दर्जा देता था, अनुच्छेद 370। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है, राष्ट्रपति शासन से, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वो कौन से हैं? तो भारतीय संविधान में जो है समानता का अधिकार टोटल 5 अनुच्छेदों में जो है प्रदान किया गया है, तो वो कौन कौन से हैं? तो अनुच्छेद 14 लेकर के अनुच्छेद 18 याद कर लीजिएगा। ये आप लोग अर्थ 2/10th में भी ये क्वेश्चन आपको हिस्ट्री में पढ़ाया गया है, ठीक है, और पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ाया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? अनुच्छेद 51। अगला प्रश्न है, भारत के नागरिकों का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन किस अनुच्छेद में है? तो भारत के नागरिकों का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह किस जो है अनुच्छेद में है? अनुच्छेद ए में, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन या फिर भत्तों से, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? 8वीं अनुसूची में, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूचित में है? तो दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूचित में है? 10वीं अनुसूची में, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती है? मणिपुर में। अगला प्रश्न है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तमिलनाडु। फिर हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य के क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? 1ली अनुसूची। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा परिवर्तित हुई है? तो भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा परिवर्तित हुई है? प्रथम संशोधन द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? अनुच्छेद 63। अगला प्रश्न है, वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है?
तो वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? अनुच्छेद 360। फिर हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 340। अगला प्रश्न है, किस अनुसूचित में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारों का वर्णन है? तो किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है? सातवीं अनुसूची में, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची किस राज्य से संबंधित नहीं है? तो समवर्ती सूची जो है जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होती थी, लेकिन अब हो सकता है लागू हो, ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान लागू होने के समय समयवर्ती सूची में कितने विषय होते हैं? तो संविधान लागू होने के समय समयवर्ती सूची में कितने विषय होते हैं? 47 विषय, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? 66 विषय। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? तो वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? 97 विषय। हमारा अगला प्रश्न है, किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है? ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर देख लीजिए, किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है? तो 6 अनुसूची में। सो कैसा लगा आज की क्लास, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा, मैं अभी इसका PDF आपको तुरंत प्रोवाइड करा दूंगा, और साथ में ये सारे क्वेश्चंस जरूर याद कर लीजिएगा। और अगर आपको जो है जो सुधार वाला वीडियो चाहिए कि जो है आपके संविधान में कहाँ कहाँ सुधार हुआ है, किस किस अनुच्छेद में या फिर किस जो है धारा में सुधार हुआ है, अगर चाहिए तो कमेंट में बता दीजिएगा, सर उसका वीडियो बना दीजिए, मैं आपको बना के दे दूंगा, ठीक है। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और खबरी पर फॉलो जरूर कर लीजिएगा, डेली जो है करंट अफेयर्स, GK, साइंस, मैथ के वहाँ पे जो है क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।